लैला तेरी ओ लैला तेरी ले लेगी तू लिख के ले ले और याला मानिया आरा आज से होगा अपुन का बोल बारा हुकूमतें खड़ी होती हैं गिरने के लिए और हम पैदा हुए हैं उसे गिराने के लिए और जो हमारे खिलाफ जाएगा उसका गोश्त शहर के कसाई का। इस मोहल्ले में जहां रूखी रोटी के बदले बिरयानी बिक रही होगी वहां पाए जाएंगे हम। दोस्ती का कोई मजहब नहीं होता। एक सच्चा मुसलमान दोस्त के लिए जान ले भी सकता है और जान दे भी सकता है। शरीर में 206 हड्डी है और संविधान में 1670 कानून। हड्डी से लेकर कानून सब तोड़ता हो। बॉम्बे का नया बाप मरिया सुरवे। मैं आफाक बागरा 5 वक्त की रोटी खाता हूं और 10 वक्त की नमाज पढ़ता हूं। इससे ज्यादा मेरी जरूरत नहीं और मुझे खरीदने की किसी की औकात नहीं। जो खाकी की इज्जत नहीं करेगा वो खाक में मिल जाएगा। जो तुझे ख्वाब में रोज मिलता रहा, जो तुझे ख्वाब में रोज मिलता रहा, मैं वही हूँ वही हूँ वही हूँ। बाबा जाकर बीकर भी आया यहाँ मतवाला, आशिक वाले यदाने साले मुझको हार डाला। शहर में अपन का बोल बारो आसमान आ जा तू सामने। दिल पर नाश है नियत अयाश है ना बन शरीफ तू बबली बदमाश है। जॉन आपने जब एंट्री ली तो ऑडियंस का रिएक्शन था वो सब तालियों और सीटियों से आपका वेलकम कर रहे थे, तो आई कैन से कि आज जॉन ने नहीं बल्कि मानिया सुरवे ने यहाँ पर लोगों का दिल जीत लिया। पीपल एक्सेप्ट यू राइट नाउ। जी हाँ, जस्ट से हेलो टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। क्योंकि हम स्टार्स इसलिए बनते हैं क्योंकि हमें ऑडियंस का सपोर्ट मिलता है एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम। हर एक पिक्चर के साथ शायद हमें कुछ सीखने को मिलता है एंड आई थिंक मेरे लिए शूट आउट एट वडाला एक कम्प्लीटली एक अलग फिल्म है। आई थिंक ऑडियंस इज़ गोइंग टू बी शॉक्ड सीइंग मी इन दिस फिल्म इन दिस रोल और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ और ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि आई होप आई डोंट डिसअपॉइंट यू ऑल एंड आई होप यू विल एंजॉय द फिल्म। इसके पीछे क्या वजह थी, क्योंकि पहले जो आपने ट्रेलर जारी किया था उसमें असली नाम थे लेकिन उसके बाद आपने चेंज किया उसको? ऐसा है कि हम जो करने जा रहे थे वो शायद पहले किसी ने किया नहीं था और हमें भी नहीं पता था कि उसके लीगल रिपरकशंस हो सकते हैं जिससे कि फिल्म की रिलीज़ को प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी मेहनत और काम करने के बाद में हम नहीं चाहते कि फिल्म को उसके ऑडियंस तक पहुंचने में कोई भी तकलीफ हो। एक चीज़ हमने सुनी थी या हमें पता चला, उड़ती खबर हो सकती है या सही है ये आप ही बता पाएंगे, कि क्या कहीं आपको अंडरवर्ल्ड से धमकी मिली थी कि असली नाम इस्तेमाल ना करें इसलिए आपने उसे बदल दिया? नहीं यार, वो 90s का दौर था, वो दौर खत्म हो गया। मान्या सुरवे के फैमिली से जो आपको अल्टीमेटम आया है कि रिलीज के पहले आपको उन्हें फिल्म दिखानी है, तो क्या आप वो करने वाले हैं? ये मैं पहली बार आपसे सुन रहा हूँ। अल्टीमेटम आपके घर आया मेरे घर आया? ऐसे खबर निकली थी ये बिल्कुल बेसलेस खबर है। आप आइटम सॉन्ग कर रही है हिंदी में, तो आप काफी हार्ड वर्क किया आपने हिंदी सीखने के लिए, तो क्या गाने की एक लाइन आप गा सकती हैं? मैं गाती नहीं हूं, सॉरी। डू यू रियली नो द मीनिंग ऑफ दिस सॉन्ग? यस। सो कैन यू जस्ट से वन लाइन फॉर अस? आई थिंक आई डिड। लैला ती लैलेगी तू लिख के ले ले। आपकी फिल्म को पहले प्रोडक्शन में विकी डोनर को नेशनल अवार्ड मिला। इस फिल्म में आप अपने किरदार को लेकर बहुत उत्साहित हैं,
इस बार क्या आप अपने लिए नेशनल अवार्ड की उम्मीद कर रहे हैं इस फिल्म से? जी मेरा करियर का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है. जो सपोर्ट मुझे मेरे कलीग्स और कोस्टार्स से मिला है, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ. एंड कोशिश यही है कि अप्रिसिएशन मिले क्रिटिकली, कमर्शियली. अगर नेशनल अवार्ड मिले एक दिन तो दैट विल बी ग्रेट. बट अब तो सिर्फ हम सक्सेस के बारे में सोचते हैं और परफॉर्मेंसेस के बारे में. So let's hope for the best. प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आपने कहा था कि तीन आइटम नंबर हैं, दो तो हम देख चुके हैं, तीसरा वाला कब और आप कब रिलीज कर रहे हैं उसे? दो आप देख चुके हैं, तीसरी यहाँ है, तीसरा अब रिलीज होगा, उसको टाइम है, वो हमारा तीसरा गाना होगा. तो क्या वो बिपाशा है उसमें? जी नहीं. कंगना? जी नहीं, कंगना इस फिल्म की हीरोइन है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रही है, तो वो फिल्म में जो ये नाच गाना है उनके कैरेक्टर को सूट नहीं करता. तेरी ले लेगी तू.